डिफरेंट टाइप के फंक्शन में आप पोशाक को अलग अलग तरीके से पहन सकते हो, जैसे कोई वेडिंग हुआ, एज ए गेस्ट आप कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हो, कोई वेडिंग हुई, या फिर संगीत प्रोग्राम में, या फिर आप माता पूजन में, डिफरेंट टाइप के ओकेशन में आप एक पोशाक को अलग अलग तरीके से कैसे पहन सकते हो, जिससे आपको अलग से कोई पोशाक लेने का झंझट भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जय श्री कृष्णा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक ही तरीके की पोशाक को किस तरीके से अलग अलग ओढ़ने के साथ पहन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 5 ओढ़ने के साथ इस पोशाक को आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई एकसार राजपूती ड्रेस होती है, एकसार कोई पोशाक होती है एक ही कलर में, तो आप उसको अलग अलग ओढ़ने के साथ कैसे वेयर कर सकते हो, जिससे आपका डिफरेंट लुक आएगा। आपके पास कोई इस टाइप का ड्रेस है और तो आप उसको डिफरेंट तरीके से पहनना चाहते हैं, या लास्ट वेडिंग में आपने इसको पहना था और आपको किसी न्यू फंक्शन में उसको पहनना है, रिपीट करना है, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें आपको अलग अलग लुक दिखने को मिलेगा कि आप किस टाइप के ओढ़ने के साथ आप इसको किस तरीके के ओकेशन के लिए पहन सकते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोशाक की, जो कि मैंने इस वीडियो में वेयर की हुई है। ये नेवी ब्लू कलर की एक पोशाक है जो कि साटन फैब्रिक में है। इसमें सिक्वेंस वर्क किया हुआ है, जिसको सितारा वर्क भी कहा जाता है। पूरी पोशाक में सिक्वेंस का ही वर्क है। इसके साथ ये ओढ़ना आया था, जिसमें सिक्वेंस का ही वर्क है और जाल ओढ़ना है। पूरा जाल वर्क किया गया है ओढ़ने में सितारे का ही। ये 2 कलर का ओढ़ना है, नेवी ब्लू और ऑरेंज ब्राउन टाइप का शेड है। इस पोशाक में भी मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे साइड में लगाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इसका लुक जो मैंने एक वेडिंग में पहनी थी। इसी पोशाक को मैं अलग अलग ओढ़ने के साथ आपको बताऊंगी। सेकंड लुक के लिए मैंने यहाँ पे इस पोशाक के साथ येलो कलर का ये ओढ़ना वेयर किया हुआ है। इसमें सिल्वर वर्क के गोटे का काम किया गया है, चांदी के गोटे का काम किया गया है इस पूरे ओढ़ने में, और बहुत ही खूबसूरत ओढ़ना है। ये जॉर्जेट फैब्रिक का ओढ़ना है, जिस पर चांदी के गोटे का काम किया गया है। ये ओढ़ना करीब 40 साल पुराना है। ये मेरी मदर इन लॉ का ओढ़ना है, जो कि मैंने इस पोशाक के साथ पहना है। अगर इस तरीके का कोई ट्रेडिशनल ओढ़ना जिसमें चांदी का वर्क किया गया हो, जाल का वर्क या जरदोजी या हैवी कोई ओढ़ना हो, उसको भी आप प्लेन सूट के साथ पहन सकते हैं, जो कि आपके ओवरऑल ड्रेस को काफ़ी हैवी एंड रॉयल लुक देगा। ये लुक परफेक्ट है एज ए गेस्ट किसी वेडिंग में आप, या कोई घर की वेडिंग है उसके लिए। तो ये मैंने एक वेडिंग में पहना था, जिसकी पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे लगा रही हूँ। ये मैंने थेवा ज्वेलरी के साथ वेयर किया था इस ड्रेस को। थर्ड लुक में इस पोशाक के साथ मैंने यहाँ पे प्योर का रेड कलर में बंदेज ओढ़ना वेयर किया हुआ है। ये लुक परफेक्ट है कोई धार्मिक ओकेशन है, जैसे आपके घर में कथा है, माता पूजन है, राती जगा है, इस टाइप का कोई ओकेशन है, तो उसके लिए रेड कलर के बंदेज ओढ़ने के साथ आप एक सार सूट को स्टाइल कर सकते हैं। ये लुक परफेक्ट है धार्मिक ओकेशन के लिए। आप चाहें तो कॉटन का बंदेज ओढ़ना भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्योर ओढ़ना लिया है। नेक्स्ट 4th लुक में इस पोशाक के साथ मैंने ये लहरिया ओढ़ना वेयर किया हुआ है। ये समुद्री लहरिया है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कलर आ जाते हैं, और इस टाइप का लहरिया ओढ़ना आप किसी भी एक्सआर सूट के साथ या 4 मीटर के जो कपड़े का सूट होता है उसके साथ भी पहन सकते हैं, तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है। और एक जैसी जो पोशाक होती है एक ही कलर की, उसके साथ भी इस तरीके के ओढ़ने काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने में। तो ये लुक भी परफेक्ट है अगर आप किसी के यहाँ एज ए गेस्ट जाते हो, कोई गेट टुगेदर होता है, कोई फैमिली में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, तो उस हिसाब से ये लुक परफेक्ट है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक में मैंने यहाँ पे प्योर का ऑरेंज ओढ़ना ट्राई किया है इस सूट के साथ। मैंने यहाँ पे रानी कलर का ओढ़ना भी ट्राई किया था, बट जो इसका वर्क है उसके साथ ऑरेंज कलर का ओढ़ना ज़्यादा मैच कर रहा था।
हिसाब से आपके ड्रेस में जो भी वर्क होता है, जैसा भी प्रिंट का काम होता है, उस हिसाब से आप ओढ़ने को, प्लेन ओढ़ने को मैच कर सकते हैं। तो रानी ऑरेंज दोनों ही ऑप्शन बहुत बेस्ट हैं। आप चाहें तो प्योर ओढ़ने की जगह पे कॉटन का ओढ़ना भी इसके साथ मैच कर सकते हैं। 4 मीटर के कपड़ों के साथ आपको अगर कैजुअल लुक लेना है तो उसके हिसाब से कॉटन के ओढ़ने भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप एक ही सूट के साथ 5 अलग अलग ओढ़ने किस टाइप से पहन सकते हैं और किस ओकेशन के हिसाब से पहन सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अगर आपको लगता है वीडियो शेयर किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।